पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में पहली बार जन स्वराज पार्टी के एक प्रखंड अध्यक्ष बिरौल से जिन्होंने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किए हैं और तमाम उनके जो समर्थक है वो यहाँ उपस्थित है, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो बताइए कि आपने नामांकन कराया है, आज तमाम समर्थक आपके साथ मौजूद है, कितने खुश हैं पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले सही बात बता दूं आपको, हमारा नामांकन कल ही हो चुका है। अच्छा। आज सदस्य पद के लिए 7 सदस्य को लेकर आए हैं नामांकन कराने के लिए। इससे पहले 3 बार हम प्रखंड जो है पंचायत पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व में रह चुके हैं। जी, पूर्व में। और इस बार जन स्वराज के समर्थन से हम जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, रामचंद्र यादव लधो पंचायत, और 3 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं। इस बार जन स्वराज के समर्थन से सबसे रिकॉर्ड जीत हासिल करेंगे। आपके लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पहली बार 52 वोट से जीते थे, दूसरी बार 351, तीसरी बार 421। अब चूंकि जन स्वराज मेरे साथ है, प्रशांत किशोर जी मेरे दिल में बसते हैं, तो अब की बार 600 पार, अब की बार 600 पार जी, 600 प्लस जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए रामचंद्र जी, आप लधो पंचायत में अपने पूर्व में चुनाव जीता था, उसमें जो काम किए हैं, आपको पूरा पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि जो काम हमने किसानों के लिए किया है, किसान के हित में जो किया है, किसान भाई हमारे साथ खड़े रहेंगे चुनाव के समय? इसका तो सर जीता जागता उदाहरण है, हर एक बार जीतने का अंतर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब लोग चाहता है, हमारे काम से खुश है, लोग पॉजिटिव है, जभी तो हमारा वोट बढ़ के मिलता हर एक बार। इस बार पिछले बार जितना जीते थे उससे ज्यादा मत से, आप नोट कर लीजिए डायरी में, भगवान ने चाहा तो आपको परिणाम 4 तारीख को मिल जाएगा। यानी पूरे प्रखंड में अगर हम कहें तो आप भी दूसरे नंबर पाएंगे रिकॉर्ड वोट से जीते। जी, रिकॉर्ड वोट से हम पहला स्थान राजीव चौधरी को मानते हैं, पोखरा मुत्री से। जी सर, सेकंड रामचंद्र यादव रहेगा लधो पंचायत, ये मेरा गारंटी। अच्छा, एक बार जोरदार ताली दे दीजिए इनके लिए। और क्या कहना चाहेंगे, जन स्वराज भी अपनी उम्मीदवार को उतारा है पहली बार, हालांकि ये पहले से भी पैक्स सदस्य रह चुके हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी के बतौर जो है पहली बार उम्मीदवार। प्रशांत जी का सपना है वार्ड से लेकर के सीएम तक अपना, वही सपना को साकार करने के लिए सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास के चलते हुए आज हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हमारे जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र यादव जी नामांकन किए हैं। पिछले कल हमारे प्रखंड पैक्स अध्यक्ष, अनुमंडल पैक्स अध्यक्ष राजन कुमार मिश्रा जी, ये मजरगाही पंचायत से पिछले 2-5 वर्षीय से इन्होंने भी प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष पद पर आसीन है और इस बार भी इन्होंने किए हैं। अगर रामचंद्र जी दूसरे नंबर पर जन स्वराज के उम्मीदवार हैं और दूसरे नंबर पर अगर ये रहेंगे रिकॉर्ड मत में, तो तीसरे नंबर पर मजरगाही पंचायत से जन स्वराज के पैक्स अध्यक्ष राजन कुमार मिश्रा जी अरगांव श्री पंचायत के मजरगाही निवासी हैं, इन्होंने तीसरे स्थान पर रहेंगे। अच्छा जी हाँ, तो यानी इस बार जन स्वराज का भी आपने एक जन स्वराज का इसका रिकॉर्ड आप कल परसों देख सकते हैं, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ और तरारी, चार जगह उपचुनाव हुआ है, इसका जीता जागता उदाहरण है, सभी दलों का हवा पास हो चुका है। अच्छा। अब 2025 बाकी है, ये 24 में सबको सलटाना है और निपटा देना है 25 में, तो इसीलिए शुरुआत आपने पैक्स के चुनाव से। हाँ, पैक्स से वार्ड से लेकर के सीएम तक अपना होगा, आपका ही होगा। हाँ, आपका ही होगा निकट भविष्य में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, जितने उत्साह के साथ बोल रहे हैं, क्या ये सब कुछ होने वाला है? बिल्कुल, अगर जनता चाहेगी तो जनता के ही चाहने से तो सब कुछ होता है, जनबल का आगे तो कोई बल ही नहीं है, और बाहुबलियों को तो जनता इस बार दिखा देगी कि कैसे धूल चटाया जाता है। और जनता का इन्होंने जो मार के रखा हुआ है 30 वर्षों से, और जनता अभी तक घूम रही है सड़कों पे, तो स्थिति तो बदलनी चाहिए ना। अब तो शिक्षित समाज है और दुनिया भी 5G 4G में आ गई है, तो अब तो लोगों को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे तो अपने समस्याओं के से इसी तरह दो चार होना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो लग रहा है कि बदलाव बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, चारों विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए हैं वहाँ वहाँ आपने देखा होगा कि पूरा ताकत से जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और लोग भी उसको संज्ञान में ले रहे हैं। तो अभी नई पार्टी है, नई विचारधारा है, तो लोगों तक पहुँचेगी तो फिर लोग समझेंगे तो जुड़ेंगे इससे। तो बिरौल में भी जन स्वराज का कुछ फायदा होने वाला है इस पैक्स के चुनाव में? जन स्वराज का फायदा तो हो ही रहा है, ऐसे बताया अभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने, हमारे जिला संयोजक ने, और मैं भी कह रहा हूँ यही बात कि अगर लोग जुड़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि जनबल के आगे कोई बल ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये हम ही लोगों के वोट से तो कई वहाँ वहाँ जाके बैठते हैं, चाहे वो सांसद हों कि विधायक हों कि मुखिया हों, कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम ही लोग के वोट से जीतते हैं, कोई अमेरिका के आदमी तो यहाँ वोट गिराते नहीं है। तो यहाँ का जो समस्या है उससे दो चार जो भी व्यक्ति जो भी विचारधारा के लेकर के जो भी कोई पार्टी आई है, जनता ने तो भरपूर समर्थन दिया है,
हर बार दिया है, लेकिन होता क्या है ये भी तो जनता भुगत रही है ना। बिल्कुल, ये भी समझने वाली बात है। ये वजह है कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। बिल्कुल वही वजह है। और कहीं ना कहीं बिरोल में और पैक्स के चुनाव में जन स्वराज का भी आगमन हुआ है, और जन स्वराज का आगमन कहीं ना कहीं एक सही जगह दिखे। जन स्वराज के क्या है, आप प्रखंड उपाध्यक्ष आप भी है, नामांकन में आप आए हैं? नामांकन में आए हुए, तो लग रहा है जन स्वराज का इस बार चलेगा हवा। देखिए ये तो जनता के ऊपर बात है, है ना। और बिल्कुल निश्चित रूप से बने रहिए हमारे साथ खबर में। हम अगले खबर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए।